मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मूवीज इतनी खतरनाक है कि इन्हें कमजोर दिल वाले ना देखे, क्योंकि ये मूवीज आपके दिल दिमाग को झंझोड़ कर रख सकती है। तो आपके दिल को संभाल कर रखे और चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवीज की ओर। तो हमारी लिस्ट में से नंबर 5 पर है एस्केप रूम टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस। 6 लोग अनजाने में एक खूनी गेम में फंस चुके हैं। ये गेम इतना खतरनाक है कि इस गेम में गलती की जरा भी गुंजाइश नहीं है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो 6 के 6 लोग जिंदा मौत के घाट पहुंच सकते हैं। इस गेम में आगे बढ़ने के लिए पजल को सॉल्व करना होगा, मगर उन पजल को सॉल्व करने के लिए कुछ ही सेकंड दिए जाएंगे। अभी इस गेम के लास्ट के लेवल तक पहुँच पाते या नहीं, इसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इसे आप हिंदी में सोनी लिव पर देख सकते हो। इस मूवी के 2 पार्ट है और दोनों भी पार्ट हिंदी में अवेलेबल है। इसे IMDb पर रेटिंग मिली 5.7/10। नंबर 4 पर है मेगन। जेमा उसकी भतीजी के लिए एक ऐसी रोबोट डॉल बनाती है जो उसकी दोस्त की तरह उसके साथ रहे और उसे हर एक चीज सिखाए जो उसे जानने की जरूरत है, मगर ये डॉल इंसानों की तरह ही हरकतें करने लगती है। अगर जेमा की भतीजों को किसी ने चोट पहुंचाई तो वह उसे जिंदा ही मार देती है, चाहे वह कोई बच्चा क्यों ना हो, मगर इन चीजों के लिए इसे प्रोग्राम ही नहीं किया था, तब भी यह ऐसी हरकतें करने लगती है। क्या अब ये जेमा को भी जिंदा मार सकती है? इसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी को आप हिंदी में जियो सिनेमा पर देख सकते हो। इसे IMDb पर रेटिंग मिली 6.2/10। नंबर 3 पर है बॉडीज बॉडीज बॉडीज। 7 लोग मिलकर एक ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें रूम की सारी लाइट बंद करनी होगी और इन सभी खिलाड़ियों को अलग अलग होना होगा और इनमें से एक खूनी होगा जो पीठ पर थपथपा कर उसे मरा हुआ घोषित कर देगा। अब इन सभी को यह पता लगाना होगा कि खूनी कौन है, मगर इस नकली खेल में सच में ही मर्डर होने लगते है। अब इन्हें जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा कि खूनी कौन है, नहीं तो ये सभी धीरे धीरे एक एक करके मारे जाएंगे। अभी इस खूनी का पता लगा पाते या नहीं, इसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इसे आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसे IMDb पर रेटिंग मिले 6.2/10। नंबर 2 पर द फॉरएवर पर्ज। जुआन उसकी वाइफ के साथ गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुस आया है उसकी लाइफ को नए तरीके से जीने के लिए, मगर अमेरिका में हर साल रात भर पर्ज चलता है। पर्ज में उन्हें सरकार की तरफ से खुली छूट दी जाती है कि वह रात भर किसी को भी मार सकते हैं और सुबह होने तक शहर में कुछ भी कर सकते हैं। और वह लोग उन लोगों को मारते हैं जो अमेरिकन्स नहीं है और जिन लोगों का चेहरे का रंग ब्लैक है, मगर इस साल रात खत्म होने के बाद भी पर्ज नहीं रुकता और वह लोग उसे दिन में भी शुरू कर देते है। अब ये लोग उनके चारों तरफ से मौजूद है। अब जुआन और उसकी वाइफ इतने खतरनाक लोगों से जिंदा बच पाते या नहीं, इसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी के 4 पार्ट से और चारों भी पार्ट हिंदी में अवेलेबल है। इसे आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसे IMDb पर रेटिंग मिली 5.4/10। नंबर 1 पर है टेक्सास चेनसो मैसिगर। एक बूढ़ी महिला को कुछ लोग उसके घर से उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, मगर वह उसी वक्त बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जा रहे होते, मगर तभी उसकी डेथ हो जाती है और उसका लड़का उसके मरने के बाद उस बूढ़ी महिला का पूरा फेस काट कर खुद के चेहरे पर लगा लेता है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीरियल किलर होता है और उसे लेदर फेस के नाम से जाना जाता है। अब वह उन लोगों को जिंदा मारना चाहता है जिन लोगों ने उस बूढ़ी महिला को उसके ही घर से उसे बाहर निकाला। अभी इतने खतरनाक सीरियल किलर से जिंदा बच पाते या नहीं, इसे जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी के 9 पार्ट्स है। इसे IMDb पर रेटिंग मिले 4.7/10। तो मिलते हैं इनसे भी बहुत ज्यादा खतरनाक मूवीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में।